नमस्कार, मैं हूं मित्र गैजेट फॉर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। फाइनली सैमसंग J8 कल यानी कि 28 जून को इंडिया में लॉन्च हो रहा है। काफ़ी सारे लोग तो नहीं, लेकिन जो सैमसंग के फैंस हैं वो जरूर इस फोन का इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि इस फोन में आपको मिल जाता है एक एनफिनिटी डिस्प्ले, मीन्स फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। इसके अलावा ड्यूल रियर कैमरा सेटअप भी दिया गया है। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन भी ठीक ठाक है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में आता है, तो अच्छा ऑप्शन कहा जा सकता है सैमसंग लवर्स के लिए। इसलिए आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेडमी नोट 5 प्रो के साथ में सैमसंग गैलेक्सी J8 का। हालांकि ये सैमसंग गैलेक्सी J8 नहीं है, ये है सैमसंग गैलेक्सी J6। J8 भी हमारे पास बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। लेकिन सैमसंग गैलेक्सी J6 और J8 में आपको डिज़ाइन, डिस्प्ले या फिर बिल्ड क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, तो इसका कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं इस फोन के बारे में और ज़्यादा, या आप चाहते हैं देखना कि क्या सैमसंग का J8 खरीदा जा सकता है अगेंस्ट रेडमी नोट 5 प्रो के, तो देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की। तो आपको बता दें J8 इंडिया में लॉन्च होगा 18,990 रुपये की प्राइस में, लेकिन यहाँ पे आपको एक कैशबैक ऑफर भी देखने को मिल जाता है जो कि होगा 2,000 रुपये का, और वो आपको मिलेगा या तो पेटीएम की तरफ से या फिर ICICI बैंक के कार्ड की तरफ से। तो इफेक्टिवली ये फ़ोन आपको मिलेगा 17,000 रुपये की प्राइस में। और अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 5 प्रो की प्राइसिंग की, तो वहाँ पे आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज वाला वेरिएंट मिलता है 14,999 रुपये की प्राइस में, मतलब 15,000 रुपये की प्राइस में। तो यहाँ पे डिफरेंस है 2,000 रुपये का। तो क्या आपको सैमसंग का गैलेक्सी J8 लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए रेडमी नोट 5 प्रो, ये बताएंगे आज हम इस वीडियो में। बात करते हैं डिज़ाइन की, तो दोनों ही फ़ोन आपको ऑलमोस्ट सेम से ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों ही फ़ोन आपको मिलते हैं फुल व्यू डिस्प्ले के साथ में, मीन्स 18:9 स्क्रीन रेशियो के साथ में। और अगर हम बात करते हैं बैक डिज़ाइन की, तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना डिफरेंस है कि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको एंटीना लाइट्स मिल जाती हैं ऊपर की तरफ, जबकि सैमसंग गैलेक्सी J8 में आपको एंटीना लाइट्स देखने को नहीं मिलती हैं। सिर्फ यही डिफरेंस है। दोनों ही फोन्स में आपको मिल जाता है वर्टिकल शेप में ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, और नीचे की तरफ दिया गया है फिंगरप्रिंट सेंसर। तो दोनों ही फोन्स में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा डिज़ाइन में। लेकिन अगर हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की, तो वहाँ पे जरूर डिफरेंस है, क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो आपको मिलता है मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन के साथ में, जबकि सैमसंग J8 आपको मिलता है फाइबर बॉडी के साथ में, मीन्स एक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ में। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी J8 का ठीक ठाक सा ही आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही फोन्स के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है एक फुल व्यू डिस्प्ले, लेकिन दोनों ही फोन्स के रेजोल्यूशन अलग अलग हैं। अगर हम बात करते हैं J8 की, तो यहाँ पे आपको मिलता है सुपर एमोलेड HD+ डिस्प्ले, जबकि अगर हम बात करते हैं रेडमी नोट 5 प्रो की, तो यहाँ पे आपको मिलता है एक IPS डिस्प्ले जो कि है फुल HD+ के साथ में। तो कहने का मतलब यह है कि रेडमी नोट 5 प्रो में आपको देखने को मिल रहा है फुल HD डिस्प्ले, मीन्स 1080 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले, लेकिन सैमसंग J8 में आपको मिलता है 720 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि सैमसंग गैलेक्सी J8 में आपको मिलता है सुपर एमोलेड डिस्प्ले, तो इसमें आपको कलर्स काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं कलर सेचुरेशन की या फिर कलर कंट्रास्ट की, तो वो भी प्रॉपर है, क्योंकि हम जानते हैं कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले बेस्ट डिस्प्ले होता है फोन के लिए। काफ़ी सारे ब्रांड हायर प्राइस में यूज़ करते हैं सुपर एमोलेड डिस्प्ले को, लेकिन सैमसंग का खुद का डिस्प्ले है सुपर एमोलेड, इसीलिए आपको मिड प्राइस सेगमेंट में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है सैमसंग के फोन में। तो यहाँ पे रेडमी नोट 5 प्रो में फुल HD+ डिस्प्ले तो है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल व्यूइंग एक्सपीरियंस देखते हैं, तो वो हमें बेटर देखने को मिल रहा है सैमसंग गैलेक्सी J8 का। लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते हैं हाई ग्राफिक्स सेटिंग पे, तो वहाँ पे आपको J8 में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो आपको फुल HD डिस्प्ले देखने को नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू ज़रूर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल व्यूइंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे कि कोई मूवीज़ देख रहे हैं, कोई वीडियोज़ देख रहे हैं, तो वहाँ पे नो डाउट आपको J8 एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। अब बात करते हैं कैमरास की, तो आपको बता दें दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है ड्यूल रियर कैमरा सेटअप, लेकिन कैमरा कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि J8 में आपको मिलता है 16+5 मेगापिक्सल का कैमरा, जबकि आपको रेडमी नोट 5 प्रो में देखने को मिल रहा है 12+5 मेगापिक्सल कैमरा। यहाँ पे मेगापिक्सल के डिफरेंस के अलावा एक और डिफरेंस है जो कि है एफ वैल्यू का, मींस यहाँ पर आपको J8 में देखने को मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का कैमरा जो कि है प्राइमरी सेंसर, और वो है f1.7 के साथ में। मींस यहाँ पे आपको लो लाइट कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी इमेजेस देखने को मिल जाएंगी। और अगर वहीं बात करते हैं रेडमी नोट 5 प्रो की, तो वहाँ पे दिया गया है f2.2, तो कंपैरेटिवली आपको लो लाइट कंडीशन में अच्छी इमेजेस देखने को मिलेंगी सैमसंग गैलेक्सी J8 में,
कहने का मतलब यह है कि अगर हम बात करते हैं रियर कैमरे की तो नो डाउट वहाँ पे J8 विनर होगा, और अगर हम बात करते हैं फ्रंट कैमरा की तो J8 में दिया गया है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि आता है f1.9 के साथ में, जबकि Redmi Note 5 Pro में दिया गया है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और वो आता है f2.0 के साथ में। तो यहाँ पे मेगापिक्सल तो आपको ज़्यादा मिल रहा है Redmi Note 5 Pro का, लेकिन जो अपर्चर है वो आपको अच्छा देखने को मिल रहा है Samsung Galaxy J8 का। मीन्स लो लाइट कंडीशंस में या फिर जहाँ पे लाइट कंडीशन अच्छी नहीं है वहाँ पे Samsung Galaxy J8 बेटर परफॉर्म करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी प्रायोरिटी कैमरा है और अगर आप चूज़ करना चाहते हैं Samsung Galaxy J8 और Redmi Note 5 Pro में, तो मेरे हिसाब से आपको जाना चाहिए Samsung Galaxy J8 के साथ। अब बात करते हैं हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको बता दें Samsung Galaxy J8 आपको मिलेगा Snapdragon के 450 चिपसेट के साथ में, यहाँ पे आपको मिलेगा 4GB रैम और 64GB का स्टोरेज। लेकिन अगर हम बात करते हैं Redmi Note 5 Pro की तो वो ऑब्वियसली बहुत ही आगे है परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि इस फ़ोन में आपको मिलता है Snapdragon का 636 चिपसेट, यहाँ पे आपको मिलते हैं 2 रैम वेरिएंट 4GB और 6GB और स्टोरेज मिलता है 64GB। तो परफॉर्मेंस के मामले में नो डाउट Redmi Note 5 Pro काफ़ी आगे है, बशर्ते आप हार्डकोर गेमर हैं या फिर आप हैवी यूज़र हैं तो, क्योंकि Snapdragon 450 भी काफ़ी अच्छा चिपसेट है नॉर्मल यूजेस के अकॉर्डिंग। अगर आप फ़ोन को बहुत ज़्यादा नॉर्मली यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा आप यूज़ नहीं करते गेमिंग के लिए या फिर मल्टीटास्किंग के लिए, तो Snapdragon 450 भी काफ़ी अच्छा चिपसेट है। हालांकि हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते Snapdragon के 636 के साथ में, लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज़ है तो नो डाउट आपको इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि 18,000-19,000 रुपये की प्राइस में आपको Snapdragon का 450 चिपसेट मिले तो वो काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी वाली बात हो जाती है, क्योंकि यही चिपसेट आपको 10,000-12,000-13,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये ओवरप्राइस्ड फ़ोन होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की तो नॉर्मल यूजर्स के अकॉर्डिंग दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अगर आप हैवी यूज़र हैं, आप हार्डकोर गेमर हैं, तो ऑब्वियसली आपको फिर Redmi Note 5 Pro की तरफ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर की, तो सबसे पहले बात करते हैं बैटरी की। Samsung Galaxy J8 में आपको मिलता है 3500 mAh का बैटरी, Redmi Note 5 Pro में दिया गया है 4000 mAh का बैटरी। दोनों ही फ़ोन काम करते हैं Android के 8.1 मीन्स Oreo के साथ में, और अगर हम बात करते हैं सिम स्लॉट की तो जहां पे J8 में देखने को मिलता है ड्यूल सिम प्लस मेमोरी कार्ड का सपोर्ट, वहीं पे आपको Redmi Note 5 Pro में देखने को मिलेगा हाइब्रिड सिम स्लॉट, मीन्स एक सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड आपको लगाना होगा। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन इन दोनों फोन्स के बीच में। जैसे ही हमारे पास Samsung Galaxy J8 आ जाएगा, हम आपको इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन करके भी दिखा देंगे। तो एक छोटा सा कंपैरिजन इसलिए था कि ताकि आप अपना डिसीजन ले पाएं कि आपको Samsung Galaxy J8 लेना चाहिए या फिर Redmi Note 5 Pro की तरफ जाना चाहिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप क्लियर हो पाए होंगे। तो यही था आज के वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और वीडियोस देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके पास है कोई सवाल या सुझाव तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिन शुभ रहे।